दोस्तों आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मजेदार से झटपट बनने वाली काजू मैंगो डेजर्ट रेसिपी। ये मजेदार सा डेजर्ट 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इन गर्मियों आप भी बनाएं ठंडा ठंडा मजेदार डेजर्ट। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस मजेदार से डेजर्ट को बनाने के लिए कढ़ाई को गैस पर रखें, उसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डालकर मेल्ट होने दें। ये मेल्ट होने पर हम इसमें 1 कप वरमा सिली डाल देंगे और वरमा सिली को चलाते हुए भून लें। ये देखिए इसे दो मिनट में ही हमारी सेवइयों पर कितना अच्छा कलर आ गया है। गैस की आंच पर एकदम स्लो कर दें और अब हम इसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल देंगे। आज हम इस मजेदार से डेजर्ट को गाढ़ा करने के लिए ना ही इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और ना ही कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने 1/4 कप काजू को पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसे दूध में डालेंगे जिससे हमारा दूध गाढ़ा भी हो जाएगा और हमारा डेजर्ट बहुत ही रिच बनकर तैयार होगा। साथ ही हम इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे जो इसे मावे का फ्लेवर देगा। अब इन सभी चीजों को चलाते हुए अच्छे से मिला लें ताकि सभी चीजें दूध में अच्छे से घुल जाए। काजू और मिल्क पाउडर दोनों चीजें अच्छे से दूध में घुल गई हैं। अब हम गैस की आंच को तेज कर लेंगे, तेज आंच पर से चलाते हुए दूध में उबाल आने तक पका लेंगे। ये देखिए इसमें कितने अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसे मीडियम आंच पर 10 मिनट पका लेंगे ताकि हमारे सेवई अच्छे से पक जाए और दूध भी गाढ़ा हो जाए। बीच बीच में से चलाते रहें ताकि दूध नीचे तले में ना लगे। हमारे सेवई अच्छे से गल गई है और दूध भी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप चीनी डाल देंगे। मीठा आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी मेल्ट होने तक इसे अच्छे से पका लें। हमारी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए काजू बादाम डाल देंगे, साथ ही 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और इसे चलाते हुए अच्छे से मिला लें। हमारा बहुत ही मजेदार सा डेजर्ट बनकर तैयार है। अब गैस को बंद कर दें, उसे ठंडा होने दें। हमारा डेजर्ट अच्छे से ठंडा हो गया है। ये मैंने 2 मैंगो को पीस कर इसका पल्प बना लिया है। अब हम इसे अपने डेजर्ट में डाल देंगे और अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। ये डेजर्ट खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो इस गर्मी आपने बनाई मजेदार डेजर्ट। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। काजू और मैंगो का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप एक बार बनाकर अपने सभी घर वालों को खिलाएंगे तो आपके घर में ही सभी को बहुत पसंद आएगा। अब हम इसे काजू बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। दोस्तों इसका स्वाद बहुत ही गजब का लगता है। एक बार आप इसे जरूर बनाकर खाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने पर तो ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है।